जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग भारत के भूगोल को पढ़ेंगे, अपने देश को समझेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं और यूपीएससी बीपीएससी स्टेट पीसीएस हो या फिर दरोगा एसएससी रेलवे वगैरह की तैयारी करते हैं तो आपके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। अगर आप परीक्षाओं की तैयारी नहीं भी करते हैं तब भी आपको अपने भारत के बारे में जानना आपका नैतिक कर्तव्य बनता है, और आप जब जानेंगे भारत को तभी आप एक अच्छे नागरिक भी कहलाएंगे। तो आज हम लोग भारत को न सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि उसको सीखेंगे, और बिल्कुल अच्छे ढंग से, मनोरंजक ढंग से, और बिल्कुल आपको ऐसे बताएंगे कि आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जो जिस चीज़ को आज तक आप नहीं समझे हैं उसको भी आप आराम से समझ जाइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग आज देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है, उसका क्षेत्रफल वगैरह क्या है, उसका लंबाई चौड़ाई क्या है, और उसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में ये सब क्या है, चौहद्दी वगैरह। हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल आधार पर भी, अक्षांश के आधार पर, देशांतर के आधार पर देखेंगे। हम लोग आज देखेंगे कि इसका नाम जो है, इसके नामकरण के पीछे की कहानी क्या है, ये सब हम लोग आज देखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं ना नक्शा भारत का, ये दिखाई कैसा दे रहा है आपको, बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है आपको, शेप कैसा लग रहा है आपको? आपको लग रहा होगा एगो कोना ये निकला हुआ है, एगो कोना ये निकला हुआ है, एगो कोना ये निकला हुआ है, एगो कोना ये निकला हुआ है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ऊपर की ओर जब भी आप नक्शा में देखते हैं ना, वो हमेशा नॉर्थ होता है, वह नॉर्थ ही कहलाएगा, और जो आप नीचे की तरफ होता है ना, आपका पैर के तरफ, वो हमेशा साउथ कहलाता है। आपका जो राइट हैंड होता है, आपका जो दाहिना हाथ होता है, वो हमेशा आपका ईस्ट होगा, ये ईस्ट होगा, और जो आपका बायां हाथ होता है वो हमेशा वेस्ट को दिखाएगा। तो आप डायरेक्शन को समझ गए। अब देखिए, भारत को देखने से आपको लगता है चार को कोना है, इसीलिए इसको कहते हैं चतुष्कोणीय। अब पृथ्वी बाहर से देखने में कैसा लगता है? पृथ्वी को तो आप एक साथ देख ही नहीं सकते हैं, पृथ्वी पर रहोगे आप तो उसके सामने बहुत छोटा सा प्यादा है। बाहर से अगर देखिएगा तो पृथ्वी जो है वह जियोड शेप में नजर आती है, जियोड है ना, उसको बोलते हैं जी ई ओ आई डी, जियोड शेप है पृथ्वी का। इसको लध्वक्ष गुलाब ऑब्लेट स्फेरियड भी कहते हैं, लेकिन अगर भारत का शेप पूछ दे तो चतुष्कोणीय है। अब आप इतना समझ गए, अब आप आगे का देखिए। देखिए सबसे पहले आप देखिए कि जो छोटा सा लैंड होता है, छोटा सा जो स्थल होता है, जब चारों तरफ से पानी से घिर गया तो इसको कहेंगे द्वीप। जैसे यहाँ लक्षद्वीप है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, यहाँ अंडमान निकोबार है, और अगर बड़ा क्षेत्र है, बड़का भारी है, बड़का, तो उसको कहेंगे महाद्वीप। आप जानते हैं सात को महाद्वीप है, जिसमें वो एशिया महाद्वीप है सबसे बड़का, और उसके अंदर में भारत है एक देश के रूप में। लेकिन भारत जो है ना, इसके साथ साथ चार को कंट्री और है, और उसमें एक भारत है, तो पांच को हो गया। पांच को मिला के उसको कहा जाता है उपमहाद्वीप। अब देखिएगा कि उपमहाद्वीप कौन चीज का नाम है भाई, उपमहाद्वीप कहते हैं क्योंकि आप देखिएगा कि भारत के इस साइड में पाकिस्तान है, यहाँ पे देखिएगा कि हिंदू कुश पर्वत है, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सुलेमान पर्वत है, यहाँ एक किरथर पर्वत है, आप देखेंगे इसके उत्तर में एक पूरा का पूरा हिमालय पर्वत है ना, यहाँ देखेंगे काराकोरम पर्वत है, इधर आप देखिएगा अराकानियोमा पर्वत है। चारों माने तीन तरफ से प्राकृतिक आकृति से घिरा हुआ है, कोई ना कोई प्राकृतिक फिनोमिना है इसके। साथ ही साथ साउथ में देखिए, जल से घिरा हुआ हिंद महासागर है, एकमात्र महासागर है दुनिया में जिसका नामकरण किसी देश के नाम पे है। ये हिंद का महासागर है, हिंदुस्तान का महासागर है, और हिंदुस्तान के नामकरण पर ये इसका नामकरण किया हुआ है, हिंद महासागर। ये कितना गर्व की बात है आप सोच सकते हैं। तो देखिएगा कि ये जो पर्वत श्रृंखला है ना, इस क्षेत्र को एक विशिष्टता प्रदान करता है, स्पेसिफिक एक प्रकार का विशेष तरह की एक कैरेक्टरिस्टिक पैदा कर देता है। कोई खास जगह रहता है तो देखते हैं ना उसकी विशेषता उसके अंदर में आ जाती है। तो यहाँ देखेंगे कि पाकिस्तान हो, भारत हो, नेपाल हो, भूटान हो, या बांग्लादेश हो, इसमें बहुत सारी समानताएँ मिलती है। ठीक है, विविधताएँ तो बहुत ज़्यादा है। अब क्लाइमेट में देखिएगा, सॉयल में देखिएगा, वनस्पति में देखिएगा, संस्कृति में देखिएगा, रहन सहन में देखिएगा, खान पान में देखिएगा, सब में अंतर है, लेकिन बहुत सारी समानताएं भी है, और इस समानता होने के कारण ही इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है ये आप समझ लिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत का नाम जो है वह नाम इतना ज़्यादा क्यों है। कुछ लोग कहते हैं भारत का चार गुना है, किताबों में आप देखते हैं आर्यावर्त है, भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, लेकिन अगर आप देखेंगे पुराणों में तो कहीं अजनाब खंड भी लिखा हुआ है, भारतवर्ष भी लिखा हुआ है वेदों में।
आप और भी इसके भूगोल में इसको गोंडवाना लैंड कहते हैं, इस वाला पूरे पार्ट को। गोंडवाना लैंड क्या होता है भाई? तो मध्य प्रदेश में एक गोंड जगह है, एक जनजाति भी है गोंड, तो उसके नामकरण, उसके नाम पर भी इस जगह को गोंडवाना लैंड कहते हैं। हालांकि इसका नामकरण जो है ना, बहुत पहले ही एक वेगनर नाम का विद्वान था, उसने कर दिया था कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ये अकेले पार्ट नहीं था, इसके साथ साथ और था भाई, इसका और भाई बंधु सब है जो इससे टूट टूट के अलग हो गया। अब कहेंगे कि भैया कैसे टूट गया, भारत का भी जन्म हुआ है। जैसे तारों का जन्म होता है, जिसको हम बताएं पूर्व के कक्षाओं में, सूरज का जन्म हुआ है, ऐसे सूरज मरेगा भी, वैसे ही भारत का भी जन्म हुआ है। और कैसे जन्म हुआ आप जानते हैं, पृथ्वी का खुदे जन्म हुआ है, ये ब्रह्मांड खुदे जन्म लिया है और धीरे धीरे इसका विकास होते गया है। 4.5 अरब साल पहले लगभग पृथ्वी जन्मा, बहुत गर्म था, धीरे धीरे ठंडा हुआ, एक स्थलखंड बना। कहा जाता है कि ये जो पूरा का पूरा स्थलखंड आप देखते हैं, इसके चारों तरफ से वो पानी वाला क्षेत्र था, उसको कहा गया पैंथालासा, इसको कहा गया पैंथालासा। और जो ये जो स्थलखंड का जो पार्ट है पूरा का पूरा, इसको कहा गया पेंजिया, इसका नाम क्या था, पेंजिया। अब इस पेंजिया में भी विभाजन हो गया, ये भी टूट गया, अंदर से कोई फोर्स काम किया जो टूट गया, ये टूट करके यह दो बराबर भागों में, दो बराबर नहीं बल्कि दो भागों में बट गया। उत्तर में एक हो गया अंगारा लैंड, है ना, और दक्षिण में हो गया गोंडवाना लैंड, इसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। अब ये जो अंगारा लैंड है वो टूट जाता है भाई साहब, गोंडवाना लैंड भी टूटता है, अंगारा लैंड भी टूट जाता है, और टूट करके यह 7 महाद्वीप बन जाता है, जैसे अभी बना हुआ है ना। और भारत भी इससे टूटता है, पहले ये था कहाँ पे, तो पहले कहा जाता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के साथ लगा हुआ था। देखते हैं साउथ में अंटार्कटिका महाद्वीप है, आप देखेंगे यहाँ पे साउथ में तो आपको अंटार्कटिका महाद्वीप आपको ये दिखाई देगा, और इसके साथ ही लगा हुआ था अफ्रीका और भारत। यहाँ पे देखेंगे आप, अफ्रीका है ये पूरा, ये भारत है, इसके साथ ही लगा हुआ था, ये ऑस्ट्रेलिया भी इसी में सटा हुआ था अंटार्कटिका के साथ, टूट गया 27-28 करोड़ साल पहले से टूटना शुरू हो गया, और टूट टूट करके अलग होना शुरू हुआ। अब देखिए यहाँ से खिसकते खिसकते उत्तर में, अब पूरब में, उत्तर पूरब में खिसकते खिसकते भारत अभी वर्तमान में यहाँ पहुँचा हुआ है, और अभी भी खिसक रहा है 5 सेंटीमीटर के आसपास, अभी खिसक रहा है, हो सकता है और उत्तर में चला जाए, और चला जाएगा तो हो सकता है बाद में हम लोगों को ठंडा, अभी तो गर्मी बहुत लगता है ना यहाँ पे, बाद में हम लोग और ठंडा वाला क्षेत्र में चले जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए कि भारत कैसे कैसे यहाँ पर आ गया, इसीलिए इसको गोंडवाना लैंड। अब नयका जो विद्वान सब है वो कहता है गोंडवाना लैंड छोड़िए भाई, इसको आप कहिए इंडियन प्लेट, इसका नामकरण प्लेट कर दीजिए, क्योंकि दुनिया में अभी तक 6 गो बड़का बड़का प्लेट और 20 से भी ज़्यादा छोटका छोटका प्लेट जो होता है उसका खोज हो गया। हम लोग प्लेटे पर है, आप कहीं खड़े होंगे, बैठे होंगे, सोए होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, प्लेट पे ये 100 किलोमीटर मोटा है, नीचे तक जाइए 100 किलोमीटर तक मिलेगा, उसके नीचे जो है बहुत गर्म गर्म चीज़ मिलेगा, उसी पे चल रहा है, स्थेनोस्फीयर उसको कहते हैं, उसी पे ये प्लेट जो है मूवमेंट कर रहा है। अब ये भी एक प्लेटे का हिस्सा है, इसको कहते हैं इंडियन प्लेट। अब देखिए गोंडवाना लैंड समझ गए, इंडियन प्लेट समझ गए, अब समझिए तो इसका नाम आर्यावर्त कैसे पड़ा था, जो कि वेदों में लिखा हुआ है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है। देखिए कुछ लोग कहते हैं और ऐसा प्रमाण भी मिलता है कि एक प्रजाति था आदमी का जो रहा करता था मध्य एशिया में, बहुत दूर, भारत से दूर था, मध्य एशिया में रहा करता था, यहाँ पे ये देखेंगे कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, वहाँ उस एरिया में। अब कहिएगा कि यहाँ कहाँ से आ गया भाई, यहाँ पे टपका, यहाँ पे ऐसे थोड़ी थे आसमान से टपक गया होगा, वो कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना जी। कहा जाता है मानव का विकास हुआ अफ्रीका में, और अफ्रीका में जब विकास हो गया उसके बाद आपस में ही संघर्ष हुआ होगा, नहीं भोजन के लिए, हो सकता है भोजन नहीं, भोजन नष्ट हो गया होगा, हो सकता है क्लाइमेट चेंज हो गया, अपने जगह को छोड़ना पड़ा, उसको छोड़ करके वो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में चलना शुरू किया, माइग्रेट हो गया, माइग्रेट होकर कहाँ पहुँच गया, मध्य एशिया में, मध्य एशिया में पहुँचा, मध्य एशिया के बाद फिर वहाँ पर जलवायु परिवर्तन हुआ सुनते हैं, उसके बाद फिर वह भारत की तरफ आता है, दक्षिण की तरफ आ जाता है, उधर से इधर। अब डायरेक्ट इस साइड से इस साइड में आना मुश्किल है, हिमालय खड़ा है, काराकोरम है, उसको पार करना मुश्किल है, तो वो क्या किया, इधर जो आप देख रहे हैं ना हिंदू कुश वाला पर्वत है, इधर आपका सुलेमान है, किरतर है, इसके बीच बीच में जो दर्रा वगैरह है, जो खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, उसी को पार करते हुए इंडिया में आया, अंदर में आया, यहाँ पे जो आया तो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से लोग रहते थे, प्रजाति रहते थे, इंडस वैली एक सिविलाइजेशन ही बना दिया।
साल एकदम बहुत डेवलप था ये लोग भाई। वो लोग आया, युद्ध किया, इन लोगों को मार उड़ के भगा दिया, अपने आप को बसा लिया और तब से कहने लगा कि भैया हम तो आर्य लोग हैं, यानी श्रेष्ठ लोग हैं। अब ये जो उत्तर भारत का क्षेत्र है इसको आर्यावर्त कहेंगे, यानी कि आर्यों का रहने का स्थान, पर गया आर्यावर्त, समझ गए। आर्य जो है एक प्रजाति था मानव का। अब देखिए इस नदी को उसने कहा सिंधु नदी, उसी ने कहा, आर्य लोगों ने इस नदी का नाम सिंधु कर दिया। बाद में क्या हुआ, भारत नामकरण कैसे हो गया, देखिए आर्य में भी कई गो शाखा था, अलग अलग ब्रांच बन गया, आठ को दस को, दस को ब्रांच बन गया। उसमें एक ब्रांच का नाम था भरत या भारत। भारत माने महान, एक ग्रेट होता है, हम लोग जिस देश में रहते हैं उसका नाम है भारत माने ग्रेट। ग्रेट यानी कि आर्यों की शाखा के नाम पर, नाम पर इसका देश का नामकरण भारत पर गया। कुछ लोग कहते हैं कि एगो राजा था उसका नाम था भरत राजा, शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र था वो, और उसके नाम पर बड़ा प्रतापी राजा रहा होगा, बहुत डेमोक्रेटिक माइंड का रहा होगा, उसके नाम पे पड़ गया भारत। तो ये अलग अलग कहानियां है। अब देखिए इंडिया नामकरण कैसे पड़ा, बहुत लोग कहते हैं कि ये अंग्रेजी नाम है, अंग्रेज क्या होगा, अंग्रेजों का देन है इंडिया। अरे भाई अंग्रेजी पैदे नहीं था उस समय में, जिस समय भारत का नाम इंडिया पड़ चुका था, अब अंग्रेजी पैदे नहीं हुआ था, कैसे पैदा होगा भाई। अंग्रेजी जो भाषा है वो तो बाद में विकसित हुआ है, भारत का नाम जो है इंडिया ये अंग्रेजी शब्द नहीं है, ये तो यूनानी शब्द है भाई। इंडिया जो है ये किया हुआ यूनानी लोगों ने, यानी कि जो इजिप्ट में लोग रहते थे, यूनान में, यहाँ पे एक देश है आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए भूमध्य सागर है, यहीं पे है ग्रीस नाम का देश, अभी नया नया ग्रीस उसका अंग्रेजी में नाम है, यहीं पे रहते थे यूनानी लोग। और वही लोग जब भारत में आए तो इस नदी को उसने कहा इंडोस नदी, किसने कहा, यूनानियों ने, और उससे आधार पे भारत का नाम इंडिया कर दिया। बाद में फिर बगल के रोमन के लोग आए, इटली वाले, वो लोग भी इंडस कहा इस नदी को, और इस देश का नाम इंडिया कहा, ऐसे पड़ गया इंडिया। ये अंग्रेज उंग्रेज का देन नहीं है, बहुत बाद में आया है, उस समय है लैटिन भाषा चलता था और ग्रीक भाषा चलता था, भारत में प्राकृत भाषा तेलुगु और कन्नड़ भाषा वगैरह चला करता था, प्राकृत भाषा बहुत पुरान प्राचीन भाषा है। बाद में फिर वह संस्कृत का विकास होता है, वो भी प्राचीन है, जिसमें बहुत सारे वेद यानी चारों वेद और पुराण वगैरह ये सब लिखे गए। अब हिंदुस्तान नामकरण कैसे पड़ा भाई, हिंदुस्तान नामकरण के पीछे भी बड़ा कन्फ्यूजन है। लोग कहते हैं भैया इसमें हिंदू रहता है ना, ये भारत में ज़्यादा लोग 80% हिंदू है इसलिए पड़ गया, अरे उसके नाम पर नहीं पड़ा है, धर्म के नाम पर पड़ा ही नहीं है। इस नामकरण का इस्तेमाल किया था ईरानियों ने, ईरानी लोग जब आए तो ह बोलिए नहीं पाते, ये स बोलिए नहीं पाते थे, उनके उच्चारण में ही नहीं था, उनके स उनसे बोला नहीं जाता था, जीभ उतना प्रशिक्षित नहीं था। तो उन्होंने इस नदी को, किसी से पूछा होगा कि भैया बताओ कौन नदी है यहाँ अगल बगल में, उस सब कहा होगा कि सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, वो ससुरा सुना तो जरूर होगा सिंधु नदी, लेकिन बोलते वक्त दूसरे को बताया होगा कि हाँ गए थे वहाँ एक हिंदू नदी मिला था, हिंदू नदी। अब इस साइड वाला लोगों को कहने लगा हिंदुस्तान है, और लोगों को कहने लगा हिंदुस्तानी है। तो इस नदी के नामकरण पड़ गया दो गो नाम, सिंधु नदी जो है ना, आप देखेंगे यहाँ चोमा यमलुंग ग्लेशियर है यहाँ पे भाई साहब, यहाँ मानसरोवर झील है उसके बगल में है, यहीं से निकलती है सिंधु नदी, और जम्मू कश्मीर ये आप देख रहे हैं लद्दाख वाला एरिया को पार करते हुए पाकिस्तान में जा करके, और यह आप देखेंगे कि अरब सागर में गिरती है। यह नदी इतना महत्वपूर्ण है कि दो गो नामकरण हो गया है, एक गो हिंदुस्तान और दूसरा इंडिया। ईरानियों ने भारत का नामकरण हिंदुस्तान कर दिया था। तो ये आप समझ गए, अब कोई कन्फ्यूजन बचा नहीं, अब हम लोग आगे का देखते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल, देखिए आप जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल तय किया हुआ है, पहले निकाला हुआ है पूरा, एक एक जगह का जो है इंची टेप से नापा हुआ है क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल कहते हैं कि भारत का है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। देखिए किलोमीटर मत कह दीजिएगा, वर्ग किलोमीटर में निकाला जाता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों रहता है उसमें, तो खाली किलोमीटर नहीं होगा। अब देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वह सिर्फ लंबाई चौड़ाई है, ऊंचाई वाला ही क्षेत्र को नहीं इसमें गिना हुआ है, खाली लंबाई और चौड़ाई है। अब ऊंचाई वाला, अब देखिए भारत जो है वो तो 3D ना है भाई, जैसे जैसे ये जो आप देख रहे हैं ना ग्लोब, ये 3D है, लंबाई भी है, चौड़ाई है, मोटाई है, यानी कि ऊंचाई भी है। भारत में भी तो पर्वत है, पठार है, तो उसको भी तो नापना होगा ना, ऊंचाइयों वाला क्षेत्र को नापेंगे तब होगा रियल, रियल क्षेत्रफल निकलेगा। ये रियल और वास्तविक नहीं है बल्कि यह भौगोलिक है। रियल निकालने के लिए आपको पर्वतों की ऊंचाई तक को मापना पड़ेगा। जैसे कोई योजना बनाना है, मान लेते हैं कि हमारे पास, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पठार है ना, अब हमको रोड बनाना है तो क्या करेंगे, अगर पठार नहीं होता मैदान होता तो यहाँ से लेके यहाँ तक रोड बनाना होता इतने लंबाई में,
2 से 3 सेंटीमीटर होगा, लेकिन अगर हमको इस पार से उस पार रोड बनाना होगा तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ आएगा, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ये लंबाई बढ़ जाएगी, फिर ये लंबाई बढ़ जाएगी। अब देखिएगा कि काफ़ी लंबा हो जाएगा, जब इसको फैलाएंगे तो इतना दूर तक पहुँच जाएगा ये। अब देखिए इसका लंबाई, इसका लंबाई कितना अधिक हो गया, तो वास्तविक दूरी कौन हुआ, वास्तविक दूरी तो ये हुआ, वास्तविक दूरी ये नहीं। योजना अगर बनाना हो कि रोड की लंबाई कितना होगी तो इतना से नहीं ना काम चलेगा, हमको पूरा नापना पड़ेगा। यानी कि अगर प्लानिंग करना हो तो रियल क्षेत्रफल ज्ञात करने की जरूरत होती है, न कि भौगोलिक क्षेत्रफल। तो रियल क्षेत्रफल और भौगोलिक क्षेत्रफल में भी आप अंतर समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लोग स्थिति, स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। स्थिति में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। स्थिति क्या होता है, यानी लोकेशन। देखिए लोकेशन कई प्रकार का होता है, लोकेशन जो होता है एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल। अब कहिएगा एस्ट्रोनॉमिकल क्या होता है भाई, एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब होता है अक्षांश और देशांतर के आधार पर। कौन कौन होगा स्थिति में, दो को होगा, एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल और दूसरा होता है जियोग्राफिकल, इसको कहेंगे भौगोलिक, ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल हो गया, और एक होगा एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि अक्षांश और देशांतर के खगोलीय, इसको हिंदी में क्या कहेंगे जी, खगोलीय कहेंगे। अब खगोलीय में क्या होगा, अक्षांश देशांतर, तो हम लोग पहले अक्षांशीय देशांतर वाला देख लेते हैं क्या होगा। तो इसमें आएगा एगो अक्षांश कितना है, यानी कि भारत का जो है लैटिट्यूड, लैटिट्यूडिनल स्थिति क्या है, और दूसरा है देशांतर, देशांतरीय विस्तार क्या है, तो ये भी तय किया हुआ है। लेकिन पहले तो हम देखेंगे ना कि अक्षांश देशांतर कहते किसको है भाई, कौन से चिड़िया का नाम है अक्षांश देशांतर, कहीं तो दिखाई देता नहीं है। हम तो देखेंगे कि भैया कहीं नहीं है अक्षांश देशांतर, कहीं दिखाई हुआ देता है, काल्पनिक है, इमेजिन किया हुआ है। इमेजिन जैसे एक्स वाई इमेजिन करते हैं ना मैथ में, वैसे ही इमेजिन किया हुआ है। दुनिया में इमेजिनेशन से सब चीज़ चलता है, आपको पता है ना, धर्म इमेजिनेशन है, ईश्वरों इमेजिनेशन है, और बड़े बड़े कॉरपोरेशन है, कानून, कानून को कहीं देखते हैं कि कहते हैं कि कानून तोड़ दिया भैया गिरफ्तार करेंगे, अब पूछेगा कि भैया हम कहाँ तोड़े हैं कानून उनून, कहीं तो ये नहीं है, दिखाई नहीं देता, इमेजिनेशन है, मानव इमेजिन किया हुआ है। और मानव के इमेजिनेशन के कारण ही तो मानव का इतना विकास हुआ है, दुनिया में एकमात्र प्राणी है मानव जो इमेजिनेशन कर सकता है। अब देखिए ये जो ग्लोब है इस पर देखिएगा कि इस पर बहुत सारा लाइन खींचा हुआ है, एगो देखिएगा ऐसे ऐसे पश्चिम से पूरब खींचा हुआ है, ऐसे ऐसे इसको परिरेखा, परिरेखा कहिए, और एक होता है जो ऊपर से नीचे की ओर खींचा हुआ है, इसे इसे एकदम काटते हुए देखिएगा इस जगह से लेकर इस जगह तक, यानी इसको ध्रुव कहते हैं, ऊपर वाला हिस्सा को नीचे वाला को भी उसको मिलाते हुए खींचा हुआ है, इसकी संख्या 360 है, इसे इसे खींच देगा तो इसको कहते हैं देशांतर। अब कहेंगे कि भाई ये अक्षांश देशांतर कौन वाला का नाम है, देखिए जैसे ये ग्लोब है ना, हम लोग यहाँ बना लेते हैं एगो 2D में, यहाँ देख लीजिए इसको बना लिए, पृथ्वी की आकृति है, जियोड आकृति है। अब देखिए इसको बीचों बीचों काटने वाला एगो रेखा बनाना जरूरी है, एकदम बीचों बीचों काट देगा, इसको दो को भागों में बांट देगा, इसलिए इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमि के मध्य में है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेटर, इसको अंग्रेजी में कहेंगे इक्वेटर। 0 डिग्री का अक्षांश रेखा इसको माना जाता है, कितना डिग्री का जी, 0 डिग्री। अब इस 0 डिग्री से ऊपर जब हम सीधे सीधे जाएंगे, यहां तक पहुंचना है हमको, तो 90 डिग्री तक जाएंगे इसका लास्ट हो जाएगा, फिर 90 डिग्री साउथ में भी जाएंगे इसका लास्ट हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 करते करते पहुंच जाइए यहाँ 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का जो ये रेखा है इसको ध्रुव कहते हैं, क्योंकि यह उत्तर में है इसलिए उसको कहेंगे नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण में है तो इसको कहेंगे दक्षिणी ध्रुव, यानी 90 डिग्री साउथ पोल हो गया। ये समझ गए इसकी संख्या कितना होगा, 90 प्लस 90 तो कितना हो जाएगा जी, 180 हो जाएगा, किसकी संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या, इसको बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा, इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अब ये जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होता है ना, ये लैटिट्यूड से अलग होता है, अक्षांश जो होता है वो उसको गणितीय आधार पे निकाला जाता है, वह एक कोणीय दूरी होता है। ये जो पृथ्वी आप देखते हैं ना, इसके बीच में जो सेंटर में कहीं ना कहीं जगह होगा ना, उस सेंटर से ये जो आप देखते हैं भूमध्य रेखा, इसके उत्तर या दक्षिण में कोई भी स्थान होता है उसका कोणीय दूरी निकाला जाता है, उसको कहते हैं अक्षांश, और उस कोणीय दूरी को मिलाते हुए पश्चिम से पूरब की ओर जो पूरे गोल आकृति में एक रेखा खींच देंगे, यहां से खींच के यही मिला देंगे, तो उसको कहेंगे अक्षांश रेखा। समझे, तो अक्षांश में अक्षांश रेखा में अंतर है, तो इसी तरह से देशांतर में भी अंतर होता है। अब देशांतर देखते हैं, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींचा जाता है, और इसको
कोई भी स्थान होता है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि एगो जीरो डिग्री का देशांतर माना गया है, 1884 में मान लिया गया है कि एगो लंदन यहाँ जो है उससे गुजरते हुए एगो रेखा हम खींचेंगे, उसको जीरो डिग्री मानेंगे, इसको कहते हैं ग्रीनविच लाइन, इसको GMT भी कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम वाला रेखा है। यहाँ से समय का निर्धारण होता है, देशांतर जो होता है उसको समय के निर्धारण के लिए इस्तेमाल करते हैं, अक्षांश जो होता है इसे जलवायु का निर्धारण होता है। दोनों को जब मिला देंगे ना, जब खाली देशांतर से कहेगा कि क्या इंपोर्टेंस है भाई, तो खाली देशांतर से आप समय का निर्धारण कर सकते हैं, उसमें अक्षांश की जरूरत नहीं पड़ेगा। और खाली अक्षांश से आप किसी भी जगह का जलवायु निर्धारित कर सकते हैं, वहां पे देशांतर की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी जगह को निकालने के लिए वो कहाँ पे है तो आपको दोनों को जानना पड़ेगा। जब तक अक्षांश और देशांतर दोनों नहीं जानेंगे आप उस जगह को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। किसी भी जगह को तो भैया जाल में फंसाना पड़ेगा ना, उसको ऐसे बनाएंगे तो एक और रेखा इधर से खींचेंगे, एक और रेखा इधर से खींचेंगे, फिर ऐसे ऐसे कर सके 90 तक पहुंचा देंगे, इधर भी 90 तक, इधर आपको 180 तक पहुंचाएंगे, फिर एगो 180 तक पहुंचाएंगे ऐसे ऐसे, और तब ना इस जाल में कोई फंसेगा जी। जाल में फंस गया तब ना कहेंगे कि किधर है भाई, अब देखिए इसका दक्षिण में कौन रेखा, उत्तर में कौन रेखा, पूर्व में कौन, पश्चिम में कौन, तो पता लगेगा कि कहाँ पे है। अब पूछेगा कि भैया इंडिया कहाँ पे है, तो उसका जगह कहाँ पे है इस ग्लोब में, तो आप कहेंगे कि ये है इंडिया, यहाँ देख करके कहिएगा कि ये है इंडिया। लेकिन पूछेगा बिना ग्लोब के कोई आदमी ऐसी पूछ देगा कि बताइए कि इंडिया कहाँ है, तब तो भैया अक्षांश देशांतर बताना पड़ेगा ना उसका, तब पता लगेगा कि कहाँ पे है। इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस ये चीज़ है, पहले इसको आप समझिए। लेकिन आप भी किसी न किसी अक्षांश देशांतर के जाल के अंदर में होंगे, हम भी किसी न किसी जाल के अंदर में, हमारे सर से कोई ना कोई अक्षांश रेखा और कोई ना कोई देशांतर रेखा गुजर ही रहा होगा। तो सब जगह से कोई ना कोई अक्षांश देशांतर रेखा गुजरता ही है, पृथ्वी का कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे अक्षांश देशांतर नहीं गुजरता हो। लेकिन इसको खींचा कहाँ जाता है, खींचा जाता है ग्लोब पर, नहीं तो मैप में। इसको धरातल पे खींचना संभव नहीं है, इसलिए वहाँ नहीं होता है। तो इसको हम लोग बारी बारी से पहले समझते हैं। ये जो ग्लोब था 3D है, उस 3D को हम लोग इस 2D पे बना लेते हैं और तब समझते हैं इसको। देखिए इसको हम बताते हैं आपको, इसमें ये इसको आप 2D का ग्लोब समझ लीजिए, और इसमें आप देख लीजिए कि इसको बीचों बीच काटने वाला एक रेखा बना लीजिए। बीचों बीच ग्लोब को काटेंगे यहाँ से, जैसे ग्लोब को काटिएगा ना, यहाँ से कैसे काटिएगा, एकदम बीचों बीच काटना है आपको भूमध्य रेखा। कहने का मतलब है कि इस ग्लोब को दो बराबर भागों में काट दिया, उसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, यानी कि भूमि के एकदम बीचों बीच मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेटर। ये होता है 0 डिग्री का अक्षांश रेखा। अब कहेंगे भैया ये अक्षांश क्या होता है, ये भी बताते हैं अभी आपको। एक रेखा होता है जो ऊपर से नीचे, यानी कि एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाते हुए खींचा जाता है, इसको कहते हैं देशांतर रेखा। अब ये देशांतर क्या होता है, अक्षांश क्या होता है, तो पहले अक्षांश को समझिए। अक्षांश और अक्षांश रेखा ये दो को टर्म होता है, अक्षांश अलग है लैटिट्यूड, और अक्षांश रेखा जिसको कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ये दोनों अलग अलग चीज है। अक्षांश क्या होता है, अक्षांश जो होता है ना वह किसी भी स्थान का कोणीय दूरी होता है, एंगुलर डिस्टेंस होता है। लेकिन उसको निकाला कहाँ से जाता है, उसको पृथ्वी के सेंटर से निकाला जाता है, केंद्र से निकाला जाता है। माने ये जो ग्लोब है ना, इसके बीचों बीच जाएंगे तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा ना इसके अंदर में, यानी कि इस पृथ्वी का यहाँ मान लेते हैं एक सेंटर है, और इस सेंटर से कोई भी स्थान जो भूमध्य रेखा के उत्तर में हो चाहे दक्षिण में हो, उसका कोणीय दूरी मान लेते हैं कोई स्थान है, उसका कोणीय दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ कोण नापेंगे, यही कोणीय दूरी कहलाता है अक्षांश। और जब इसको मिलाते हुए रेखा खींच दी जाती है इस पृथ्वी के चारों तरफ से मिला के, तो इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। इसके बारे में डिटेल से आपको एस्ट्रोनॉमी में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है। तो अक्षांश रेखा समझ के, ये अक्षांश रेखा खींचा जाता है किधर, पश्चिम से पूरब, क्योंकि पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब, इसीलिए इसको भी खींचा जाता है पश्चिम से पूरब। तो इसको पश्चिम से पूरब खींचा जाता है, इसको समझ गए। अब आप देशांतर को समझिए, जो ऐसे ऐसे खींचा जाता है ध्रुव से ध्रुव को मिलाने वाला। ये देखिए ये जो रेखा है ना, ये ध्रुव से ध्रुव को मिलाएगा, ऐसे ऐसे मिलाएगा, ऐसे ऐसे मिलाएगा, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। अब ये जो है ध्रुव से ध्रुव की ओर मिलाते हुए खींचा गया, प्रत्येक बिंदु का प्रत्येक जगह का कोई ना कोई देशांतर भी होता है। अब ये देशांतर क्या होता है, देशांतर रेखा कहता है, उसमें भी अंतर है। देशांतर रेखा को भी जो खींचा जाता है वह भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण, या इसको आप जो देख रहे हैं ना, ये जो ग्रीनविच लाइन है
जीरो डिग्री का, उसके पूर्व या पश्चिम, किसी भी स्थान का कोणीय दूरी होता है देशांतर, और देशांतर रेखा क्या होता है, उसी कोणीय दूरी को मिलाते हुए खींच देते हैं, तो उसको बोलते हैं देशांतर रेखा। अब इसको आपको डिटेल में हम समझा देंगे एस्ट्रोनॉमी में। यहाँ आप समझ लीजिए कि देशांतर रेखा को अंग्रेजी में कहते हैं मेरिडियन ऑफ लैटिट्यूड, और देशांतर को कहते हैं लॉन्गिट्यूड, दोनों में थोड़ा अंतर है। तो ये अंतर समझ गए। अब आप समझिए कि हम जो अभी निकालेंगे ना भारत का, वो रेखा निकालेंगे, अक्षांश नहीं निकाल के अक्षांश रेखा निकालेंगे, और देशांतर नहीं निकाल के देशांतर रेखा निकालेंगे, तब पता लगेगा कि कितना दूर तक फैला हुआ है। देखिए कोई भी स्थान का लोकेशन ज्ञात करने के लिए आपको अक्षांश रेखा देशांतर रेखा दोनों की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। ये जो अक्षांश रेखा है का अगर हम इससे जाल बना दे 1 2 3 4 5 करके 90 तक, आपको पता है ना 0 डिग्री से शुरू होकर 90 तक जाएगा, यहाँ से नापेंगे ना कौन जी, तो कोई ना कोई होगा ना यहाँ से नापेंगे कोई भी जगह का, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री ऐसे सीधे खड़ा हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो गया। इसी तरह से 90 तक होता है ऊपर, और 90 तक आपको फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से नापिए 1 2 3 4 5 यहाँ 90 तक चला जाएगा। तो आप कहेंगे कि अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो 90 प्लस 90 यानी कि 180। लेकिन आप जानते हैं कि अगर हम ध्रुव पे पहुंच जाते हैं तो यहां तो बिंदु के रूप में दिखाई देता है। यहां पे आपको इस जगह पे ये जो आप ऐसे ऐसे पश्चिम से पूर्व खींचेंगे अक्षांश, यहां एक बिंदु बन जाता है, वो रेखा रहता ही नहीं है। यहां भी बिंदु बन जाता है, वो रेखा रहता ही नहीं है। अब कोई पॉइंट ऐसे बना दिए तो रेखा नहीं ना जी, ये तो पॉइंट का पॉइंट है। तो इसको गिनती हटा देंगे तो 180 में से 2 को हटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 178 बचेगा। 180 में से 2 हटा 178। ये जो 0 डिग्री आप देखते हैं, इस 0 डिग्री को भी अगर आप हटा दीजिए, इसको तो ऑलरेडी हटा के ही गिने थे 178, और अगर इसको जोड़ दीजिएगा तो 179 हो जाएगा। तो ऐसे अक्षांशों की संख्या है, लेकिन मेन अक्षांश जो होता है उसका नामकरण करना की जरूरत है। अब कैसे गिनेंगे कि 1 डिग्री दूरी, कुछ मेन है उसका नामकरण कर दीजिए। तो मेन जो देखिएगा ना अक्षांश रेखा, उसका नामकरण कर दिया गया है। जैसे यहाँ से एक और रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ से होकर के गुजरती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर से 23.5 डिग्री उत्तर से, तो इसको बोलते हैं कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में है ये। और ठीक दक्षिण में भी एक 23.5 डिग्री है, तो उसको बोलेंगे मकर रेखा, इसको बोलेंगे मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री साउथ में है ये, तो इसको बोलेंगे मकर रेखा। साथ ही साथ एक वो है 66.5 डिग्री का, यहाँ से 66.5 डिग्री इसको बोलेंगे, 66.5 डिग्री उत्तर में है, इसको बोलेंगे आर्कटिक रेखा, क्योंकि ये जगह पे आर्कटिक महासागर है, आपको पता ही होगा आर्कटिक रेखा, इसको इसीलिए बोलेंगे। और एक वो दक्षिण में है, इसको यहाँ से 66.5 डिग्री से, तो इसको 66.5 डिग्री पे है, तो इसको बोलेंगे अंटार्कटिक रेखा, ये अंटार्कटिक इसके बगल में है, तो अंटार्कटिक रेखा हो गया। ये मेन अक्षांश हुआ, और उसके बाद तो ध्रुव भैया है। अब आपको ये कि 23.5 डिग्री पे अक्षांश रेखा का है भाई, तो पृथ्वी का जो झुकाव है ना, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 23.5 डिग्री ही झुकी हुई है, इसीलिए 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींचा जाता है। कहा जाता है कि 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण तक ही सूरज की किरणें सीधी पड़ सकती है। सालों भर यहाँ पे गर्मी रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं उष्णकटिबंध, इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं हम लोग। यानी कि दो गो अक्षांश के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, जोन भी बोलते हैं या कटिबंध बोलते हैं, इसीलिए ट्रॉपिकल है। और इस 66.5 डिग्री से 23.5 डिग्री से 66.5 के बीच वाला देखिएगा, तो यहाँ पे तिरछी किरणें पड़ती है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। का मतलब होता है न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंडा है, बीच वाला सम स्थिति है ना, इसीलिए इसको सम शीतोष्ण बोलते हैं। और नीचे भी वही हो जाएगा टेम्परेट। अच्छा, पृथ्वी घूमते हुए 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ये भी तो आपको पता ही होगा, तो 66.5 डिग्री तक कोण बनाती है। आप जानते हैं कि ध्रुव पे 6 महीने का दिन 6 महीने का रात हो जाता है, ये सब आपको हम एस्ट्रोनॉमी में पढ़ाएंगे। यहाँ पे आपको लोकेशन को ज्ञात करने के लिए अक्षांश को जानना जरूरी है। अब आप अक्षांश अगर जान गए हैं, अच्छा इसमें 66.5 डिग्री से ध्रुव तक जाइएगा तो बहुत ठंडा पड़ता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है फ्रिजिड या कोल्ड रीजन या शीत कटिबंध बोलते हैं उसको। इसी तरह से अगर हम देशांतर को देखें, इसमें आप देखेंगे कि देशांतर भी एक होता है, तो देशांतर जो है उसको पृथ्वी के बीचों बीच काटने वाला अगर हम बना दें एगो बीच में एकदम 0 डिग्री का, तो इसको कहेंगे 0 डिग्री का देशांतर, चाहे इसको बोलते हैं ग्रीनविच लाइन, इसका नाम है ग्रीनविच लाइन,
इसको GMT भी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम यहाँ से निर्धारित होता है, इंग्लैंड से होके गुजरता है, लेकिन खाली इंग्लैंड नहीं है, आप देखेंगे 0 डिग्री का जो रेखा है जिससे समय का निर्धारण होता है वह यहाँ से गुजरता है लंदन से, और कई देश इसके बीच में आते हैं, यहाँ अफ्रीका वाला देश भी है और यूरोप के भी कुछ कंट्री है, तो वो वहाँ आते हैं, इसको खींचा गया है। तो अब आप देखेंगे कि एक रेखा हमने अभी यहाँ बनाया था जो ठीक बीचों बीच काट दिया, तो एक ये पूरे क्षेत्र को काट दिया, तो इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, यानी गोला को दो पार्ट कर दिया, और ये को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। इसको इसी तरह से अगर हम इस 0 डिग्री के देशांतर से काट दें पृथ्वी को, तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी गोलार्ध और ये हो जाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध। अब आप समझ गए होंगे कि 4 गोला बन सकता है पृथ्वी पर, एगो ये उत्तरी, एगो दक्षिणी, एगो पूर्वी, एगो पश्चिमी। अब भारत के लिए तो ज्ञात है कि भैया भारत कहाँ पे है। अब अगर हम आपको कहेंगे A, B, C और D इसमें भारत को बताइए कि कहाँ पे है, तो आसानी से आप इसको खोज लीजिएगा, क्योंकि भारत का लोकेशन एकदम निश्चित है। भारत को आप देखेंगे इस ग्लोब में, आप देखिए इस ग्लोब में, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे भारत है, तो भारत के ये देख रहे हैं सामने, इसके काफ़ी दूर पे 0 डिग्री का एक अक्षांश रेखा गुजर रही है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इसके ठीक ऊपर है भारत, नीचे नहीं है, एकदम उत्तर में है, तो उत्तरी गोलार्ध हुआ। और देखेंगे यहाँ से एक ग्रीनविच लाइन गुजर रही है लंदन से होकर के, ऐसे अगर पृथ्वी को यहाँ से काट दे ग्लोब पे, तो इस साइड में पूरब हो जाएगा, इस साइड में पश्चिम हो जाएगा, तो भारत किस गोलार्ध में होगा, पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में नहीं होगा। तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध, और पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध देशांतर के आधार पे है, पूर्वी गोलार्ध सॉरी उत्तरी गोलार्ध अक्षांश के आधार पे है और देशांतर के आधार पे है पूर्वी गोलार्ध। इसको आप समझ गए। अब आप इसमें आराम से समझ जाएगा कि बी वाला सेक्शन में भारत है, यहीं पर है भारत, तो भारत का अक्षांश कितना है, देशांतर कितना है, वो तो ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो भारत देखिएगा यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि भारत कहाँ पर होगा, तो देखिएगा कि 0 से 1, 2, 3, 4 तो 8 डिग्री 4 मिनट, यानी भारत का जो ये जो क्षेत्र देखते हैं ना आप, ये कन्याकुमारी वाला और केप कोमोरिन वाला एरिया, ये 8 डिग्री 4 मिनट पे है। कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। देखिए कैसे लिखाता है 8 डिग्री 4 मिनट, मिनट ऐसे लिखेंगे, और अगर हम सेकेंड लिखना है तो 2 को कर देंगे ऐसे ऐसे, तो 8 डिग्री 4 सेकेंड हो जाएगा, तो हम तो मिनट में है, इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट। उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर के या 9, 10, 11, 12, 13 तक गिनते जाएंगे तो यहाँ पर जा करके 37 डिग्री 6 मिनट आता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट क्या हुआ, उत्तरी गोलार्ध। और पूर्वी अब हमको पकड़ना है, पूर्वी गोलार्ध, तो यहाँ देखिए गुजरात वाला एरिया को, तो ये एरिया जो है ना, ये कौन सा देशांतर यहाँ से गुजर रहा है जो इसको टच कर देता है, 68 डिग्री 7 मिनट, ये है यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होकर के ये चलेगा 68, 69, 70, 71 ऐसे ऐसे यहाँ पे आकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो भारत का ये लोकेशन है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कुछ लोग कहने लगते हैं कि भैया ये पश्चिम वाला एरिया है तो पूरब में कैसे पड़ेगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसीलिए पूछेगा वो सब क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं रहेगा तो ये तो क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, भारत पूरी तरह से इस तरह से है। तो आप एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन तो आप समझ गए, एस्ट्रोनॉमिकल दृष्टि से भारत बहुत महत्वपूर्ण जगह पे है भाई साहब, यहाँ गर्मी इसीलिए पड़ता है कि आप देखिएगा कि 23.5 डिग्री का जो रेखा है ना, जो अभी आपको हम बताए हैं यहाँ पे 23.5 डिग्री गर्मी, ये भारत का ठीक बीचों बीच गुजरती है। अब इसको याद भी करना है, एग्जाम में पूछता है कि कौन कौन राज्य से भारत का कर्क रेखा गुजरता है, तो 23.5 डिग्री का जो रेखा है कर्क रेखा, वह भारत के ठीक बीचों बीच 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसको याद करने का फॉर्मूला है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये तो क्या क्या होगा, मित्र पर गमछा झार इसमें 8 हो जाएगा। मित्र माने मिजोरम, यहां से शुरू करिए, मिजोरम है, त्रिपुरा है ना, पश्चिम बंगाल है, उसके बाद आप देखिएगा राजस्थान हो, ये हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे गौ से गुजरात हो जाएगा, मौ से मध्य प्रदेश हो जाएगा, छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झार से झारखंड हो जाएगा। ये 8 गो स्टेट को याद करने का फॉर्मूला है, आप इसको एकदम याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको ये जानना है
कि लोकेशन तो ज्ञात हो गया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि खाली बताइए हमको, खाली अक्षांश से क्या ज्ञात हो सकता है, हमको देशांतर नहीं लेना है, खाली अक्षांश से क्या ज्ञात हो सकता है, खाली अक्षांश से, तो इससे आप जलवायु का निर्धारण कर सकते हैं। किसी भी जगह का क्लाइमेट अगर ज्ञात करना हो तो खाली अक्षांश से क्लाइमेट ज्ञात हो जाएगा, लेकिन अगर किसी जगह का स्टैंडर्ड टाइम जानना हो कि उसका कौन से टाइम जोन में है, तो उसके लिए हमको अक्षांश से काम नहीं चलेगा, उसके लिए किससे काम चलेगा, देशांतर से काम चलेगा। अगर खाली देशांतर मालूम हो जाए आपको कि किस स्थान का कितना देशांतर है, तो आप आसानी से उस जगह का स्टैंडर्ड टाइम ज्ञात कर पाइएगा। जैसे भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वह ठीक इसके बीचों बीच एक देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री का देशांतर रेखा है, उससे निर्धारित होता है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही रेखा है जिससे पूरे भारत के समय का निर्धारण होता है, लेकिन ये लोकल टाइम से स्टैंडर्ड टाइम अलग होता है, ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम होता है सूरज के आधार पे, कब सुबह हुआ, कब शाम हुआ, कब दोपहर हुआ, उसके आधार पे होगा, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम सुबह शाम से मतलब नहीं रख करके पूरे देश का एक ही टाइम माना जाता है। तो इसे मान लेते हैं कि आप कितने बजे सुबह में उठते हैं, जब सूरज की पहली किरण आती है तब उठते हैं। आप अगर बिहार यूपी में रहते हैं तो आप कितने बजे उठते हैं, मान लेते हैं कि आप 6:30-5 बजे के आसपास मानते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश वाले आपसे 1 घंटा पहले उठ जाएंगे 4:30 बजे, क्योंकि वहाँ सूरज पहले ही दस्तक दे देगा, वहाँ पहले ही दिन हो जाएगा। और गुजरात वाला आपके उठने से 1 घंटा के बाद उठेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 घंटा लेट से, या अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज की पहली किरणें आती है उसके 2 घंटा के बाद गुजरात में पहला किरण आएगा, और आप देखेंगे शाम होने में भी वही होगा, पहले शाम किधर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में, पहले डूब जाएगा सूरज। ऐसे कहा जाता है डूबता उगता तो सूरज है नहीं, पृथ्वी घूम जाती है पश्चिम से पूरब, इसीलिए सूरज आपको पूरब से पश्चिम हुए उगते हुए दिखाई देता है, और गुजरात वाले और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का अंतर हो जाता है। इसी का कारण से हो जाता है क्योंकि भारत का विस्तार काफ़ी अधिक है, इसीलिए कहा गया कि भारत में कम से कम 2-3 टाइम जोन होना चाहिए, लेकिन भारत में इतने लोग पढ़े लिखे नहीं है भाई साहब, बड़े कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए भारत का ज़्यादा टाइम जोन नहीं बनाया गया, एक ही रखा गया है। रूस में देखेंगे 11 टाइम जोन है ना, तो ज़्यादा देशांतर है ना, ऊपर है ज़्यादा देशांतर पर विस्तार है उसका, इसीलिए। और चूँकि आपको हम बता देते हैं कि जैसे जैसे आप यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे, भूमध्य रेखा मान लेते हैं इसके बीचों बीच हमने बना दिया, इसके ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे तो क्या हुआ, देख रहे हैं देशांतर के बीच का जो दूरी है यहाँ पे ज़्यादा है, ऊपर जाएंगे कम हो जाएगा, फिर ऊपर जाएंगे कम हो जाएगा, फिर ऊपर जाएंगे कम हो जाएगा। तो भारत को अगर मान लेते हैं भारत इस जगह पर विस्तार में है तो इतने दूर देशांतर में फैला हुआ है, और ऊपर अगर लेके जाएंगे तो इसी जगह को ऊपर उठाएंगे तो ये ज़्यादा दूर तक फैल जाएगा, है ना, ज़्यादा देशांतर में फैल जाएगा, जमीन नहीं बढ़ेगा लेकिन देशांतर ही है जो उसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो कहा जाता है कि भारत अगर और उत्तर पूर्व की ओर खिसक जाए, जैसे कि आप इस ग्लोब में देखिएगा, तो इसकी देशांतरों की संख्या बढ़ जाएगी। और अगर भारत को हम ऊपर नहीं खिसका करके भूमध्य रेखा की ओर खींच दे और, तो इसकी देशांतर की संख्या घट जाएगी। इसी तरह से रूस के साथ है, रूस में बहुत देशांतर है क्योंकि बहुत ऊपर है, और उसको अगर खींच करके भूमध्य रेखा की तरफ ले जाए, भूमध्य रेखा पर आ दे, तो इसकी देशांतरों की संख्या घट जाएगी, टाइम जोन भी वो घटा लेगा, अभी ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा उत्तर में है। अब आप इसको समझ गए हैं कि टाइम का निर्धारण लंदन से होता है, और 0 डिग्री है वहीं से माना जाता है, और वहाँ से पूरब स्टार्ट होता है, हम लोग पूरब में है, इसको आप समझ गए। 82.5 डिग्री का देशांतर रेखा है, उससे समय का निर्धारण होता है, ये इलाहाबाद से गुजरता है, और इसमें ये भी समझ लीजिए कि 5 राज्य को ये टच भी करता है, जैसे उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, उड़ीसा को, और आपको ये छत्तीसगढ़ को और आंध्र प्रदेश को ये टच करता है। अब आप इसमें भौगोलिक स्थिति को देखिए, अभी तक आपने एस्ट्रोनॉमिकल स्थिति को अच्छे ढंग से समझ लिया है, अब आप भौगोलिक स्थिति को देख लीजिए। देखिए भौगोलिक स्थिति में आप देखिएगा कि इसके चारों तरफ क्या क्या है, आप यहाँ देख रहे हैं कि पाकिस्तान है, और इधर देख रहे हैं कि इधर आपका हल्का सा लगा हुआ अफगानिस्तान वाला एरिया, इधर आपका चीन है, इधर आप देखिए नेपाल है, इधर आप देखिए भूटान है, इधर आप देखिए म्यांमार है, और आप देख रहे हैं यहाँ बंगाल के बांग्लादेश है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे, और ये हिंद महासागर का एरिया है, यहाँ देखिए अरब सागर है, ये इसका चौहद्दी हो गया एक तरह से एक प्रकार का ज्योग्राफिकल लोकेशन ये हो गया। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन में आप यहाँ देखें किरथर पर्वत है, यहाँ पे सुलेमान है, यहाँ हिंदू कुश है, यहाँ पे देखेंगे काराकोरम है, इधर आप देखिएगा कैलाश पर्वत है, इस साइड में आप देखेंगे हिमाद्री यानी कि हिमालय फैला हुआ है, इधर अराकानियम हिमालय का ही एक पार्ट है, अब हिमालय तो यहाँ तक फैला हुआ है, अंडमान निकोबार तक फैला हुआ है,
वहां तक है। भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वह 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू नहीं होता है, ये तो मुख्य है। भारत का जो असली शुरुआत होता है वो 6 डिग्री 45 यानी 4-5 मिनट से ही शुरू हो जाता है, 6 डिग्री 4-5 मिनट। ये अंडमान निकोबार में है, निकोबार में है, एकदम साउथ पॉइंट, उसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिण का बिंदु है, इसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तर का जो पॉइंट है यहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर के पास में, इसको बोला जाता है इंदिरा कौल। ये है ग्लेशियर से बना हुआ है, इंदिरा कौल इसको कहा जाता है। ग्लेशियर भी काटती छाती रहती है, उससे बन गया है। और अब आप देखिएगा यहाँ पे कि इंदिरा कौल ठीक है, लेकिन इस साइड में आप देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तो पाकिस्तान का कब्जा है। आप देखिएगा इस एरिया में यहाँ तक पाकिस्तान कब्जा किए हुआ है। भाई पाकिस्तान जो कब्जा किए हुआ है, ये कैसे कब्जा किए हुआ है, इसको बोला जाता है POK। 1947 में कब्जा कर लिया था, जब मिलना था ना इसको कश्मीर को हरि सिंह को, उस समय यह आक्रमण किया था तब तो भारत में विलय हो गया था इसका, भारत का ही अभिन्न अंग है कश्मीर, उस समय ही अधिकार कर लिया। इसको LOC माना जाता है, इसको कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। अब इस LOC के इस साइड में इसको कहा जाता है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब पाकिस्तान वाला जो है इसको कहता है आज़ाद कश्मीर, ससुरा इस पर जो है अधिकार किया हुआ है, कहता है इसको गुलाम बनाया हुआ है, कहता है कि ये आज़ाद कश्मीर है। अब भारत जो ज़्यादा आज़ादी दिए हुआ है उसको कहता है कि गुलाम कश्मीर है। देखिए क्या ऐसे स्ट्रेटजी है, तो ऐसा ऐसा है, अब तो झूठ बोलने का आदि है। अब इस साइड में देखिएगा कि यहाँ पे अक्साई चीन वाला एरिया है, लद्दाख का एरिया था, ये लद्दाख पठार, यहाँ अक्साई चीन है, इस पे चीन का कब्जा है, चीन इस पे अधिकार किया हुआ है, चीन इसको छोड़ नहीं रहा है। अब आप देखिएगा यहाँ से यहाँ तक एक पूरा का पूरा हिमाद्री फैला हुआ है, इधर तो नेपाल है, इधर आप भूटान है, यहाँ देखिएगा एक मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन उसको कहा जाता है, वो अंग्रेज था, 1914 में एक रेखा बना था मैकमोहन, चीन इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यह है अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच का सीमा निश्चित करता है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे कि इस साइड में पश्चिम की तरफ देखिए, तो पश्चिम में देखिएगा ये सर क्रीक वाला एरिया है, यहीं पर एक जगह है, इसका नाम है गौर मोता, इसको कहा जाता है गौर मोता। ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, यहाँ पर भी विवाद चलते रहता है। ये जो पाकिस्तान है वो कहता है कि ये जो दलदली क्षेत्र है, नहीं दलदली नहीं है, इसको आधा हिस्सा हमको दे दीजिए, लेकिन भारत इसको कुछ भी नहीं देने वाला है, क्योंकि ये भारत का पार्ट है, ये कोई ऐसा थोड़ी है जो भीख में मिल जाता है कि दे दीजिए दे दीजिए। और इस साइड में देखिएगा पूरब के एरिया में, तो पूरब जो सबसे पूर्वोत्तर एरिया है, सबसे एकदम ईस्टर्न पॉइंट, उसको बोला जाता है किबिथू, इसका नाम है किबिथू। तो ये किबिथू कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, भारत का सबसे ईस्टर्न पॉइंट है। तो अब आप इसको लोकेशन को भी समझ गए हैं। अब इसमें एक चीज़ आप समझ लीजिए, देखिए हमने आपको बताया था 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में जो डिफरेंस है वो है 30 डिग्री का, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट के बीच भी लगभग 30 डिग्री का अंतर है। लेकिन अब देखेंगे कि भारत का उत्तर से लेके दक्षिणी जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम जो है वह 2933 किलोमीटर है। देख रहे हैं आप कि उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, लेकिन विस्तार जो है अक्षांशीय और देशांतरीय वो लगभग 30 डिग्री में ही है। तो अंतर क्यों हुआ ये आप स्पष्ट कर लीजिए। हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम इस भूमध्य रेखा है ये मान लेते हैं ये 0 डिग्री का है देशांतर, इसके हम खींच लेते हैं एक देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा है, और भारत आप जानते हैं कि यहाँ पे है। कहने का मतलब है कि कोई भी जो क्षेत्र होता है वह जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाएगा तो देशांतर के बीच का जो दूरी है वो कम होते जाता है, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे इक्वेटर से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दो देशांतर के बीच की दूरी क्रमशः घटती चली जाती है। तो आप देखेंगे कि इसकी जो चौड़ाई है वह भूमध्य रेखा के पास वाला में ज़्यादा रहेगा, और उससे जैसे जैसे दूर जाएगा उसका चौड़ाई घटते चला जाएगा। तो घटते चला जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि चौड़ाई भारत का भी घट जाता है। इसीलिए भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार ज़्यादा है। उत्तर से दक्षिण क्यों नहीं घटेगा, उत्तर से दक्षिण इसलिए नहीं घटेगा क्योंकि यहाँ पे जो अक्षांश है इसकी दो अक्षांश के बीच का जो दूरी है वो लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा सा अंतर होता है ध्रुव पे, ध्रुव पे थोड़ा सा चपटा है पृथ्वी, इसलिए वहाँ पे
थोड़ा ज़्यादा दूरी हो जाता है लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्षेत्रफल में, लेकिन देशांतर से ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। इसीलिए भारत की लंबाई ज़्यादा है और उसकी चौड़ाई कम होती जाती है, और अगर भारत को खिसका के और ऊपर पहुँचा देंगे तो और ज़्यादा उसकी चौड़ाई घट जाएगी। ऐसे भी पृथ्वी को आप देखते हैं कि ये 3D है और इसका एक अपना ही कर्वेचर है जो ध्रुव पे चपटा है और बीच में उभरी हुई है, यानी कि भूमध्य रेखा की का वाला जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा बल्ज है, तो भी क्षेत्रफल में अंतर तो आएगा। तो आप इसको समझ लिए। अब देखिए इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे पूछेगा कि भारत का 82.5 डिग्री का जो ये देशांतर रेखा है जिससे समय का निर्धारण होता है, जिसको प्रधान या मेरुत्तर बोलते हैं, यह लंदन से कितना दूर है। तो आपको पता है कि 1 डिग्री को पार करने में सूरज को 4 मिनट लगता है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूरज को कितना देर लगता है, 4 मिनट, और 82.5 डिग्री को पार करने में कितना देर लगेगा, तो उसको अगर आप कैलकुलेशन करिएगा तो वो लगेगा 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट का 5.5 घंटा लगेगा। तो 5.5 घंटे, यानी कि 82.5 को 4 से गुना कर लीजिएगा, अपने आप आपको निकल जाएगा वो कितना है, मिनट में निकाल लीजिए, फिर उसको घंटा में कन्वर्ट कर लीजिए। उसी तरह से आप दुनिया के किसी भी जगह का अगर आपको प्रधान या मेरुत्तर पता हो तो आप उसका समय का निर्धारण कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पूरा जो भारत है इसका स्थलीय सीमा कितना है, स्थल का जो सीमा है वो कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। और पूछेगा कि खाली बताइए जो मुख्य भूमि है उसका सागरीय जो सीमा है वो कितना है, तो वो है 6100 किलोमीटर। और अगर पूछे कि बताइए कि पूरा जो सीमा है भारत का पूरा किनारा वो कितना है, वह यह मुख्य भूमि के साथ साथ जो लक्षद्वीप वगैरह है, जो अंडमान निकोबार है, उस सबको जोड़ करके भारत का समुद्री सीमा कितना होता है, तो वो होता है 7516.6 किलोमीटर। और पूछेगा कि तब बताइए कि पूरा सीमा जो है पूरा एकदम एज ए होल वो कितना है, तो उसको पूरा जोड़ना होगा, यानी कि 15,200 किलोमीटर वो जोड़ना होगा और 7516.6 किलोमीटर ये भी जोड़ना होगा, और दोनों को जोड़िएगा तो 22,716.6 किलोमीटर होता है। यह कुल सीमा की लंबाई है भारत का, चाहे वो समुद्री सीमा हो या फिर स्थलीय सीमा हो। इसको आप समझ गए। अब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन क्या है, पूछेगा कि कौन सा राज्य सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में जानते हैं राजस्थान सबसे बड़ा है। पूछेगा कि जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन है, तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। इसी तरह से पूछता है कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है, तो गोवा है। पूछेगा कि जनसंख्या में सबसे कम कौन है, तो आप जानते हैं कि सिक्किम है। उसी तरह से पूछेगा कि कौन सबसे बड़ा जिला है, तो सबसे बड़ा जिला जो है कच्छ का जिला है, जो गुजरात का है, यहाँ पे सबसे बड़ा जिला है वो। इसी तरह से और भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।